नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइस, शोएब अख्तर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि मुझे काफी बुरा लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए, क्योंकि उनको लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने हमेशा अच्छा परफॉर्म करके दिया है इंडिया को अंडर प्रेशर। और अगर देखे तो सचिन तेंदुलकर से कोई ग्रेटर बैट्समैन है नहीं, लेकिन उसे भी काफी सफर करना पड़ा है लोगों से और मीडिया से। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करती है टीआरपी के लिए। मुझे सारे क्रिकेटर के लिए काफी बुरा लगता है जिनको इन प्रेशर में खेलना पड़ता है। और देखे तो सचिन तेंदुलकर ने यह प्रेशर 20 साल झेला है। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास बेटर बॉलिंग लाइनअप है, और अगर वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान टीम के साथ होता तो मैं उनको कहता कि खुद को थोड़ा और पुश करे और फेयरलेस होकर बॉलिंग करे वर्ल्ड कप में, और बॉलिंग डालते वक्त विराट कोहली से बिल्कुल भी बात ना करे। विराट कोहली को बस पुश करते रहे और उसका फोकस डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर वो अपने बैटिंग में बिजी हो गया तो इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगी। और वैसे भी मैच अहमदाबाद में है और 1 लाख लोग ये मैच देखेंगे, तो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया ये प्रेशर में होगी। सो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहिए। नंबर टू गाइस, केएल राहुल ने अपने कमबैक को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। केएल राहुल ने कहा कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं फिर से एक बार टीम को ज्वाइन हुआ हूँ, और मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया था टीम से बाहर होके, लेकिन मैं ग्लैड हूँ कि सब वर्कआउट हो गया है और मैं हैप्पी हूँ कि मैंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए है। और जब मुझे इंजुरी हुई थी तब उसके बाद कुछ दिन लग गए ये सोचने में कि मैं सर्जरी कहाँ से करूँ, कौन सबसे बेस्ट सर्जन है, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ बीसीसीआई को कि उन्होंने मेरी बेस्ट ट्रीटमेंट की। और आपको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जब आप इस सिचुएशन में होते हो। और जब सर्जरी हो रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी ये एक बड़ी इंजुरी से गुजर रही है, सो मुझे मेरे बॉडी को रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे इनफ टाइम देना होगा रिकवर होने के लिए। और इंजुरी के वक्त आपका मेंटल बैटल भी चलता है, आपको पेन फील होता रहता है जिससे कि आप आपके स्किल पर फोकस नहीं कर पाते, और पेन ये एक बड़ा चैलेंज होता है और आप उससे ओवरकम तभी कर पाते हो जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। और एनसीए के ट्रेनर और फिजियो ने मुझे काफी ज्यादा गाइड किया, और जब एशिया कप का शेड्यूल आया तब मुझे लगा था कि मैं एशिया कप के पहले ही कमबैक कर लूंगा, लेकिन फिर मुझे 1 वीक पहले निगल हो गई। इसलिए देखे तो काफी अप्स एंड डाउन आए मेरे रिकवरी में, लेकिन मैं मेंटली रेडी था जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। नंबर थ्री गाइस, हरभजन सिंह ने सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव ये एक कंप्लीट प्लेयर है और सिलेक्टर ने कोई भी गलती नहीं की है उसको पिक करके वर्ल्ड कप में संजू सैमसन से पहले। और देखे तो संजू सैमसन एक क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन आपको सिर्फ 15 प्लेयर ही सिलेक्ट करने होते हैं वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए सूर्य कुमार यादव को संजू सैमसन के पहले पिक करना ये राइट कॉल था, क्योंकि जो गेम सूर्य कुमार यादव के पास है मिडल ओवर में वो संजू के पास नहीं है। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।